जंक्शन ब्रांच ने जो काम किया उससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? खुश है, बहुत मजा आया। गंभीर बात करने के लिए आया। जब मैं जंक्शन ब्रांच में आया था अक्टूबर 2020, 2017, 2018, 2019 की डिग्री बच्चों को नहीं दी गई थी प्रिंटेड, ओके। जब से मैं आया हूँ 2020 तक की डिग्री सब प्रिंट होके जा चुकी है। 2021 के जो बच्चे पास आउट हुए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में कि बच्चे जिस साल पास हुए उसी साल उनको प्रिंटेड डिग्री मिल जाएगी। विद इन 2 मंथ्स टाइम ईच ऑफ द कॉलेज विल गेट द प्रिंटेड डिग्री ऑफ 2021 पास आउट स्टूडेंट्स, ओके। नंबर टू, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डीन एग्जामिनेशन का ईमेल मिलता है? सभी है, सभी को मिलता है। क्या ये कभी ऐसा पहले होता था? कभी नहीं। तो ये हम करते हैं, हम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते थे हमने कहा कि नोटिफिकेशन निकाल रखा है, तो बच्चे का नोटिफिकेशन का पता नहीं होता था, उसका कॉलेज बच्चे को बताता नहीं था। सो व्हाट वी डिड, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम ईमेल करते हैं। अभी जो आपका मार्च का वो भी चल रहा है, उसमें 1.1 लाख बच्चे हैं, उनको 3 बार ईमेल जा चुके हैं। कोई भी डिसीजन होता है लास्ट ईयर आपका जो रिजल्ट था, हमारी बात कर रहे हैं फाइनल ईयर का, 28 पॉइंट में आओ, पॉइंट में आओ। सही बात है। 2-3 चीजें आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप लोग शायद ये सोचते हैं कि डीन एग्जामिनेशन सब कुछ वही कर सकता है, डीन एग्जामिनेशन आप लोग कोई चीजें होती है, कुछ चीजें होती है जो वो अपने लेवल पर कर सकता है, जो ऐसी चीजें हम खुद ही कर लेते हैं। लाइक आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया? नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। ओके, इंटरनल असेसमेंट में जो अटेंडेंस की मार्क्स होता है वो प्रियोग्रेटिव डीन एग्जामिनेशन, वो हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि जो अटेंडेंस की मार्क्स है उसको लेने की जरूरत नहीं है, समझ। ये हमने ऑलरेडी कर दिया जो मेरे हाथ में। लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा हमको यूनिवर्सिटी के साथ, इसका यूनिवर्सिटी एडमिशन के साथ डिस्कस या भी तुम। ओके, तो आज सुबह भी मेरी कहीं पर बात हुई है लेवल पे, फिर हम बात करेंगे। जैसा ही कोई डिसीजन होगा जितना जल्दी हो सके हम आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके लीडर हमारे साथ हैं, हम इनको कम्युनिकेट करेंगे, हम आपको कम्युनिकेट करेंगे, हम नोटिफाई करेंगे। लेकिन तक चाहिए। अगर ये सुन रहे हैं, ये सुनने के लिए आए हैं कि यहीं पर हम हाँ ना कहें, वो पॉसिबल नहीं, वो मैंने आपके उनको बता दिया पहले, वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज उसके लिए मैं ऑथराइज नहीं कि मैं यहाँ आकर के कहूँ कि आपका ओबी होगा कि ऑफलाइन, दैट वी कांट। ओके, बट आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपके जितनी भी रिक्वेस्ट है आपकी, पहले सुन लो। सही बोल रहा भाई, सुन क्या लो। कई बार यार बोल रहे ना, हाँ फ्राइडे को क्या बोला गया था? फ्राइडे को भी यही चीज हुआ था, आज भी सही बोला। सही बोला, सही बोला, सही बोला। रुक जा यार, बस एक मिनट रुक जा।
प्यार से बोलो, टाइम 2-3 दिन का टाइम नहीं देंगे। फ्राइडे को